हेलो फ्रेंड्स, शाओनी ब्यूटी प्रोडक्ट रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शाओनी के दो ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ। पहला है फेस वॉश, दूसरा है टोनर। फेस वॉश एंड टोनर दोनों के बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू बताती हूँ कि ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं वो आपकी स्किन को गोरा करने में, दाग धब्बों को कम करने में और स्किन को ग्लोइंग ग्लास ग्लो कोरियन इंस्पायर्ड बेस प्रोडक्ट है जैसे, तो वैसे ही स्किन को आपके इफेक्ट देगा। इसको यूज़ कैसे करना है, ये कॉम्बो में आएगा प्रोडक्ट, दोनों भी फेस वॉश एंड टोनर। पहले आपको यूजुअली जैसा आप नॉर्मली कोई भी फेस वॉश यूज़ करते हैं उसी तरह से इसे यूज़ करना है। फेस वॉश कर लेने के बाद आपको फेस को पैडेड ड्राई करना है। जब फेस थोड़ा थोड़ा जब डैम्प होता है, गीला होता है, उसी के बाद आपको ये जो टोनर है इसे अपने फेस पर स्प्रे करना है अच्छे से। स्प्रे करने के बाद आपको एक कॉटन बॉल लेकर पूरे फेस को अच्छे से उसे क्लीन करके वाइप ऑफ निकाल देना है। जब आप क्लीन करोगे आप खुद देखोगे कि फेस वॉश करने के बाद भी जो टोनर होता है तो वो डीप क्लिनजिंग का काम करता है। इवन आप कोई भी फेस वॉश यूज़ करोगे उसके बाद फेस आपको लगता है कि क्लीन हो गया, बट स्टिल वहाँ पे जो डीप डर्ट होती है स्किन में वो बची हुई रहती है। लेकिन जब आप टोनर यूज़ करोगे इससे डीप क्लिनजिंग होती है, यानी कि आपके जो पोर्स वगैरह में जो जमा हुआ ऑयल होता है, डेब्रिस होते हैं, डर्ट्स होती है, वो सारी ही टोनर रिमूव कर लेता है, स्किन को क्लीन करता है। सो आप जब उस कॉटन बॉल से स्किन को वाइप ऑफ करके निकालोगे आप तब देखोगे उस पर कैसे स्टेम्स एंड साफ होने के बाद भी स्किन से कैसे जो एक डर्ट होता है वो निकल आता है। सो इसी तरीके से आपको यूज़ करना है, पहले फेस वॉश से फेस वॉश करना है, उसके बाद टोनर स्प्रे करना है गीली स्किन में और कॉटन बॉल से उसको साफ करके निकाल देना है। उसके बाद आप चाहे तो ऑप्शनल मॉइस्चराइजर लगा सकते हो कोई भी, सो आपके स्किन को एक हाइड्रेटिंग लुक देगा मॉइस्चराइजर। थैंक यू।